हेलो टू ऑल इंडियन यूट्यूबर्स, यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को मेरा हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। और मैं बाहर एज़ यूज़ुअल बिल्कुल ऐसे ही बाहर आई हूँ, बाहर बैठी अभी उठी हूँ। सुबह का बजा है 6 भी नहीं बजा, अभी 5:30 बजा है। और जीजी बनानी है नाश्ता, क्योंकि रात में जीजी बहुत जल्दी सो गए थे हम लोग, तो सुबह में जल्दी उठ गए। फेरू को बाहर आना होता है तो मैं इनको बिल्कुल बाहर लेकर के आई हूँ। गेट खोलते ही एकदम से इतनी तेज़ बाहर आ जाती हैं कि बस जैसे इनको किसी ने काट लिया हो, इतनी स्पीड से भागेंगी। और आके बैठ गई हैं यहाँ पे, फैली पड़ी हैं। बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो डाली थी वनस्थली से रिलेटेड कि वहाँ पर आप एडमिशन कैसे दे सकते हैं। देखिए, एक्चुअली में ये जो मई है ना, अप्रैल में तो वनस्थली में जो एडमिशन प्रोसेस है मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले जो एडमिशन अगर आपको लेना है वहाँ पे, तो आपको अप्रैल में फॉर्म निकल आते हैं। आपको वनस्थली का एक फॉर्म भरना होता है, देन आपको वो पोस्ट करना होता है। ठीक है, वो आपको पोस्ट करना होता है। उसके बाद में दूसरी बात कर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद में उसका वो होता है एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। 12th के बाद की बात कर रही हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन और पीजी करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आप एंट्रेंस दीजिए, एंट्रेंस अगर आपका क्वालिफाइड हो जाता है तो आपके घर पे एक कॉल लेटर आएगा। उस कॉल लेटर को लेकर के आपको जयपुर जाना होगा, वनस्थली जाना होगा। एडमिशन प्रोसेस जितनी भी है, फ़ीस सबमिट और एडमिशन की जितना भी ऑल ओवर प्रोसेस होता है वो आपको करना होगा वहाँ पे। मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो एडमिशन एग्ज़ाम फॉर्म होगा ना, जो आप फिल करेंगे, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ भी लगानी है कि जो लोग आपसे मिलने वनस्थली जा सकते हैं आपको उनकी फ़ोटोज़ लगानी होंगी। 6 लोगों का ऑप्शन होता है तो 3 लोग शायद मिल पाते हैं, तो आप उन्हीं लोगों की फ़ोटो वहाँ पे लगा सकते हैं जिनसे आप वहाँ पे मिलना चाहते हो, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं। ये हुई वहाँ पे मिलने वाली प्रोसेस। आने का ये है कि उसके बाद में आप एडमिशन ले लीजिए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और फिर ये है रहते रहते आपको वहाँ पे बाकी चीज़ें जो होती हैं पता चलती रहती हैं। जैसे आपको घर पे जाना है, घर पे जाने के लिए वो पहले ही एडमिशन के टाइम आपके घर पे बुकलेट आ जाएगी। उस बुकलेट से आपको जब भी घर पे जाना है तो आपके मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, तो जो भी हैं वो उस एक एप्लीकेशन को भरेंगे, पोस्ट करेंगे, एड्रेस आपको मिलेगा वहाँ पर, तो वो आपको एप्लीकेशन वहाँ पे मिल जाएगी वनस्थली में। आप उससे गेट पास बनवाएंगी, गेट पास बनाने के बाद ही आप आ सकती हैं घर पर। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस भी आप वहाँ पे रह के जान जाओगे जब आना होगा। तो ये मैं ऐसे आपको नहीं समझा सकती क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था कि दीदी, छोटे बच्चे कैसे जा सकते हैं वनस्थली में? देखिए, बॉयज़ का तो है ही नहीं, वुमेंस यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी है, एजुकेशन हब है, तो क्लास 6 से वहाँ पर छोटी बच्चियों का एडमिशन हो जाता है। तो क्लास 6 में मेरा ख्याल ये है कि इतनी छोटी लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए, वरना तो उनकी बच्चों की ना ग्रोथ रुक जाती है अगर वो इतने छोटे हॉस्टल में जाते हैं। तो मतलब 6 क्लास कैसी, कितनी छोटी उम्र होती है, उसमें आप उनको हॉस्टल भेज रहे हो तो वो ना डरी सहमी एंड थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब मेरा मानना है कि बच्चे को ना 12th तक अपने पास रखना चाहिए, देन 12th के बाद में आप उनको बाहर भेजें, तब वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। और इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था कि दीदी, वहाँ पे क्या क्या है? देखिए, वहाँ पे ना पंचशील शिक्षा है, I mean to say, जैसे आपको वहाँ पे ऐसा कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, कोई भी वहाँ पे ऐसा स्ट्रीम नहीं है जो ना हो, सारे के सारी एजुकेशन वहाँ पे अवेलेबल है। एक्स्ट्रा की बात करूँ मैं, आप वहाँ पर कोई भी भाषा सीख सकते हैं, कोई भी। जी हाँ, मैंने कुछ दिन ट्राई की थी, फ्रेंच सीखना मैंने शुरू किया था, बट नींद की प्रॉब्लम थी ना, सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो मैंने छोड़ दी, फिर जाना ही नहीं छोड़ दिया, 2-3 दिन ही गई थी। और आप ऐसे जो आप एक्स्ट्रा जो स्किल्स होते हैं ना, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और प्राइज़ भी मिलते हैं, गेम्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पे ना हो, सब कुछ है।
आपको जिमनास्टिक में जाना है तभी भी जाइए, आपको सिंगिंग में जाना है बिल्कुल जाइए, वहाँ पे सब कुछ है। आपको कथक डांस में आपको कुछ भी सीखना है आप वहाँ पर जाइए, सिंगिंग में आपको सब कुछ सीखना है आप जा सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको किसी का डिप्लोमा करना है वो भी आप एक्स्ट्रा में कर सकते हो। बस ये है जो एक्स्ट्रा जो क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में चलती हैं, सुबह 6 से 9 बजे तक। 9 बजे से आपकी पढ़ाई वाली क्लासेस हो जाएंगी, 1 बजे तक पढ़ाई वाली क्लासेस चलती हैं। उसके बाद में जिन बच्चों की लैब होती है, जैसे साइंस वाले बच्चे हैं उनकी लैब होती है, ठीक है, साइंस वाले बच्चे लैब करते हैं 2 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में 7 बजे से फिर वैसी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, अगर आप एक्स्ट्रा डिप्लोमा करते हैं या फिर कोई वैसी चीज़ें सीखते हैं तो, ठीक है। तो ये वहाँ पे टाइमिंग होती है। मॉर्निंग में अगर आपको ये सब करना है, लाइक आप हॉर्स राइडिंग करना चाहती हैं बिल्कुल करिए, और सब कुछ है वहाँ पे, मैं आपको क्या गिनवाऊँ। आप बुकलेट निकाल सकती हैं, आप जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगी ना तो आपके घर पे एक बुकलेट आएगी वनस्थली की, तो आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हो, फुल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिनके भी डाउट्स थे आई होप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और फीस तो आजकल सभी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में इतनी ही हैं, कहीं कहीं गवर्नमेंट में ही कम है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको सच बता रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू विल गो, ठीक है। और बात कर लेते हैं अम्मा की, अम्मा मेरी ठीक हैं और मैं आपको इनसे मिलवा रही हूँ। ये देखिए इनको बस बाहर बैठना है, बाहर ये देखो, हाय बोलो सभी लोगों को। मौसी और फेरू बैठा, अम्मा की बात करें तो अम्मा मेरी थोड़ा वही खाना कम खा रही हैं, मम्मी ने बताया मुझे। इनको देखिए चिड़िया देख रही हैं, फिर बहुत काटती है, बहुत बदतमीज है लड़की। भैया की जो चोट लगी है ना उनका हाथ थोड़ा सा काला काला पड़ गया है, मम्मी बता रही थी, मतलब पट्टी बंधी हुई है तो वॉश तो हो नहीं रहा है, तो वो हाथ ब्लैक पड़ गया है, स्किन हट रही है वहाँ से, तो यही सब बता रही थी। फिर पता फैली पड़ी है यहाँ पे, बिछी पड़ी है एकदम ऐसे। मौसम अच्छा है सुबह का, कल का तो न्यूज़ में ये था साइक्लोन आ रहा है, आई मीन टू से चक्रवात, यहाँ तो नहीं आया बट कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना जाएं। पता है अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें दिल्ली की कोई लेडी थी महिला, वो बता रही थी कि उनका घर में उनके ससुर जी थे, तो वो हो गए, मतलब उनको कोरोना हो गया, देन उन्होंने फ़ोन वोन किया तो कोई आया नहीं, आई डोंट नो क्या बोल रही थी। उसके बाद में वो बता रही हैं कि पूरी फैमिली में बच्चे बच्चे सबको जुखाम खांसी और इस तरीके से सभी लोग फीवर हो गए सभी लोगों को, तो सेफ़ रहिए, अपने घर पे रहिए। और मेरी मम्मी भी बता रही थी कि घर के गांव के जो आसपास के गांव हैं ना, कल आई थिंक परसों मेरे गांव में चेकअप हुआ था कोरोना से रिलेटेड, तो गांव में तो कोई भी नहीं निकला, बट जो गांव के जो पड़ोसी गांव है ना वहाँ पर कुछ लोग निकले हैं, सो सैड, गांव में भी निकलने लगे हैं आप। आप लोग ना अगर आप लोग जाना चाहती हैं वनस्थली तो बिल्कुल जाइए, आप पहले उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए,
आसानी होगी बहुत ज़्यादा।